नमस्कार, मैं मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज। सी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। लखनऊ के विकास नगर थाने में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। बच्चियों ने आज पूरे थाना परिसर के पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। इस कार्यक्रम को स्वराज संगठन युवा सोच के अवनीश गुप्ता के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भूपेंद्र मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता आशीष पांडे, ऋषु मिश्रा, अनूप यादव, उदेश शर्मा, ईश्वर कृपलानी, उज्जवल चौरसिया, कृष्णा सैनी ने व्यवस्था की। तत्पश्चात इस संस्था ने प्रतीक चिन्ह देकर पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। समाज में अहम भूमिका प्रदान करने वाले पत्रकार रितेश श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप कुमार शुक्ला को प्रतीक चिन्ह देकर थाना परिसर में सम्मानित किया गया। अवनीश गुप्ता ने बताया कि स्वराज संगठन समाज उत्थान के लिए समय समय पर कार्य करती रहेगी। थाना परिसर में एसओ सुमित श्रीवास्तव, एसआई राजेंद्र सिंह, राकेश कुमार यादव, गिरीश चंद्र यादव, सुनील कुमार सिंह, राहुल गिरी के अलावा सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने राखी बंधवाई। वहीं राखी बांधने में मुख्य रूप से ऋषु मिश्रा, शिवानी चोपड़ा, अंजनी मिश्रा, मीनाक्षी सिंह, वैष्णवी चौरसी आदि प्रमुख रही। लखनऊ से सीमा संवाददाता रितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भाई को राखी बांधने जा रही वृद्ध बहन को चार पहिया वाहन ने मारी टक्कर। भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन के अवसर पर एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए बस पकड़ने जा रही थी कि तभी तेज रफ्तार एक चार पहिया वाहन ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जी सर, आप लोग जा रहे थे जी, देखा कि भाई ये औरत गिरी हुई है, तो हम लोग लग गए भाई। बात यही है, हमने कहा भाई अब औरत बेचारी पड़ी हुई है, इसको देखा गया, एम्बुलेंस बुलाया गया, फिर चौकी के सिपाही को बुलाया गया, जिस तक लगवा करके भिजवा रहे हैं। जिसने टक्कर मारी क्या वो पकड़ा गया या फरार हो गया? नहीं, गाड़ी खड़ी है। अच्छा, गाड़ी को पकड़ लिया गया है। चौकी के पास ही, पुलिस चौकी के पास ही हुई घटना ही है? ये है, चौकी के पास है, बगल में। कार्रवाई हो रही है? हाँ, कार्रवाई हो रही है, चौकी को सुपुर्द कर दिया गया है। रिपोर्ट। तो देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।